गुजरात के अंदर जो पाटीदार आरक्षण आंदोलन चल रहा है उसके अनुसंधान के आधार पर कांग्रेस पार्टी ने गुजरात के अंदर पटेल समुदाय और बिन आरक्षित वर्ग के लिए एसटी एससी ओबीसी समुदाय को मिली हुई 49% आरक्षण में किसी भी प्रकार का नुकसान ना हो उस आधार पर अगर कांग्रेस की गवर्नमेंट बनती है तो असेंबली के अंदर जल्द से जल्द आर्टिकल 31C के आधार पर संवैधानिक आर्टिकल 46 के प्रावधानों के आधार पर वो बिल विधानसभा में रजू करेगा पारित करेंगे। इस बिल में आर्टिकल 46 का उल्लेख किया जाएगा और उसको 15(4) और 16(4) के नीचे जो भी ओबीसी समुदाय को आरक्षण का लाभ मिल रहा है वो लाभ इन बिन आरक्षित जातियों को दिया जाएगा। बड़ी बात कि जो मंडल कमीशन की जो सूची थी उस सूची के पैरामीटर्स के आधार पर गुजरात के बिन आरक्षित वर्ग के लिए स्पेसिफिक सर्वे होगा। अभी मैं बोल रहा हूं कि पाटीदार समाज दुखी है, गरीब है, सरकार बोल रही है कि नहीं नहीं पाटीदार समाज बहुत समृद्ध है तो उस आधार पर अगर सर्वे होगा तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। जिस तरह से कांग्रेस पार्टी ने आरक्षण के लिए जिस तरह से सहयोग दिया है वो गुजरात के सभी समुदाय के लिए अच्छी बात है। मुझे मालूम है लोग मुझे एजेंट बुलाते हैं, एक अच्छा शब्द दिया है एजेंट। मैं बार बार कहता हूं मैं जनता का एजेंट हूं और कांग्रेस पार्टी ने जो हमारे मुद्दों की बात कही है जिसमें हमें सहमति है, पूरी तरह से सहमति है, कोई दिक्कत नहीं है कांग्रेस पार्टी के इस मुद्दों के साथ हमें। लेकिन बड़ा मुद्दा यह है कि क्या आप अब कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करोगे, क्या अब आप कांग्रेस पार्टी को समर्थन करोगे? तो मैं बार बार कहूं, अभी भी बोल रहा हूं, मैं 2.5 साल तक किसी भी पार्टी ज्वाइन नहीं करने वाला।